नमस्कार दोस्तों, आज से लगभग 75 साल पहले यानी 14 अगस्त 1947 को इंडिया सब कॉन्टिनेंट का बंटवारा होता है और जन्म होता है एक नए देश, सॉरी दो नए देशों को, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान। इन्हें बनाया जाता है ताकि मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी के राइट्स को सेफगार्ड किया जा सके, और इसी बंटवारे के साथ ये पूरा एरिया आजाद हो जाता है अंग्रेजों के लगभग 200 सालों के राज से। पंडित नेहरू कांग्रेस लीडर इज इंडियाज प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम चीफ बिकम्स पाकिस्तान्स गवर्नर जनरल। लेकिन अगर हम आज के टाइम में आए तो आप देखें कि इंडिया एक ऐसा देश बन गया है जहां डेमोक्रेसी इतनी स्टेबल है, इसे मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जा रहा है, जबकि दूसरी ओर पाकिस्तान है जहां इकोनॉमिक क्राइसिस से लेकर सिविल वॉर और गवर्नमेंट अनस्टेबिलिटी तक की चीजें देखने को मिल रही है। डिमांडिंग अ सेपरेट कंट्री एट द प्रो फ्रीडम रैली इन पाकिस्तान सिंध प्रोविंस। Across Pakistan, many are struggling with the rising cost of living. Prime Minister Imran Khan losing his trust vote and becoming the first Pakistan Prime Minister to be removed in this manner. तो आखिर क्या difference रहा दोनों के बीच में कि एक देश इतना stable रहा, दूसरी ओर इतने military coups और इतनी unstable government देखने को मिली? जानेंगे इस सवाल का जवाब आज के इस वीडियो में, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक क्लियर कर दूं कि इस वीडियो से मेरा ये इंटेंशन नहीं है कि मैं अपने पड़ोसी देश के साथ अपना कंपैरिजन करूं और आपको ये सुपीरियरिटी फील कराऊं कि हम कितने अच्छे और कितने एडवांस, जैसे कि कई सारे न्यूज चैनल्स करते हैं। कि पाकिस्तान का बंटाधार होना अब तय है, पाकिस्तान दिवालिया होने वाला है। नहीं, दिवालिया हो चुका। पाकिस्तान के बुरे दिन न कभी खत्म हुए थे और न खत्म होंगे। न खाने को रोटी है, न सूंघने को बोटी, न दवा का इंतजाम है, न करने को कोई। एक्चुअली इस वीडियो से मेरा मोटिव है कि हम इसको एज ए केस स्टडी लें और ये समझें कि अगर हमारे देश में इससे रिलेटेबल कुछ होता है तो हम ये फील कर पाए कि क्या चीज़ हमारी डेमोक्रेसी के लिए अच्छी है और क्या चीज़ हमारे लिए बुरी। आई होप आप भी इसको इसी तरीके से लें, तो चलिए शुरू करते हैं। हम सभी जानते हैं कि 1950 में हमने सक्सेसफुली कॉन्स्टिट्यूशन को अडोप्ट कर लिया था और 1952 में सक्सेसफुली इलेक्शन भी कंडक्ट करवा दिए थे, लेकिन पाकिस्तान में चीज़ें इतने स्मूथ नहीं थी। वहाँ 1949 में जाके कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म हुई थी। इसके पीछे रीजन ये है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना काफी पहले शुरू किया था और 1948 तक तो उनके पास कोई प्लान ही नहीं था कि किस तरीके से हमें कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप करना है। इसका पता इस बात से चलता है कि जब 1948 में एक रेडियो इंटरव्यू के दौरान जिन्ना से पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होने वाला, तो उनका ये जवाब था, मेरे को नहीं पता कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होने वाला है, लेकिन वो ये इंश्योर करेंगे कि डेमोक्रेटिक हो और इस्लामिक वैल्यूज को फॉलो करता। और हम आज सब जानते हैं कि वो कितना डेमोक्रेटिक। इसके बाद 1949 में उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली फॉर्म हुई। इसके बाद अलग अलग ग्रुप्स में कई तरह के क्लैश देखने को मिले और फाइनली 1956 में जाकर उनका पहला कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स को लेकर भी कई तरह के सवाल उठाए जाते हैं कि इसमें मेंबर्स जो थे वो डेमोक्रेटिकली नहीं चुने गए थे, इसमें लोगों का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं था। लेकिन खैर 1956 में जाके कॉन्स्टिट्यूशन बन गए, लेकिन फिर भी चीज़ें इतनी स्मूथ नहीं थी, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मुस्लिम लीग के पास इतने ज़्यादा लीडर्स नहीं थे। जिन्ना की मौत के बाद पार्टी के अंदर कई तरह के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स और फाइट्स देखने को मिले और गवर्नमेंट प्रॉपरली बन ही नहीं पाई। दोस्तों, इस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करने के बस 2 साल बाद जनरल अयूब खान मार्शल लॉ लगा देते पूरे पाकिस्तान में। रीज़न इसके पीछे वो बताते कि एक तो काफी अनस्टेबल गवर्नमेंट बनी थी, 1956 से 1958 के बीच कई सारे प्रधानमंत्री चेंज हुए थे, तो कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बन पा रही थी। दूसरा रीजन उन्होंने बताया कि बांग्लादेश के लोग, यानी जो उस टाइम पे ईस्ट पाकिस्तान था, वो लोग अपना ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मांग रहे, तो वहाँ कई तरह के रिवोल्ट्स और गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो गए, तो इस कारण से उन्होंने मिलिट्री रूल लागू कर दिया पाकिस्तान में। दोस्तों, एक बार फिर से कोशिश हुई कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की 1962 में। इस बार पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को चुना गया, लेकिन इसका भी लाइफ स्पैन एक डेंगू के मच्छर जितना ही था, क्योंकि इसमें मिलिट्री जनरल को और ज्यादा पावर दी गई थी, तो इस कारण से यहाँ इलेक्शंस प्रॉपरली नहीं हो पाए करप्ट सिस्टम और मिलिट्री के इन्फ्लुएंस के कारण, और इसे भी सस्पेंड कर दिया गया। 1973 में एक बार फिर से कोशिश की गई कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की। इसमें इस्लामिक आइडियोलॉजी को भर भर के डाला गया, इसमें शरीयत कोर्ट से ले काउंसिल ऑफ मुस्लिम आइडियोलॉजी हर चीज डाली गई। इसमें पहले डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बने जुल्फिकर अली भुट्टो। दोस्तों, स्टार्टिंग में तो इनका कार्यकाल काफी अच्छा चल रहा था, लोगों को लगने लगा था कि अब तो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो गई, अब तो पाकिस्तान के अच्छे दिन आ गए, लेकिन इनकी इसी खुशी को नजर लग गई इन्हीं के मिलिट्री जनरल जिया उल हक की। वो सोचते हैं कि मजा नहीं आ रहा है, वो मार्शल लॉ इम्पोज कर देते हैं और एक बार फिर से पाकिस्तान में डेमोक्रेसी की हत्या हो जाती।
दोस्तों जब न्यूज़वीक नाम के एक न्यूज़पेपर ने उनका इंटरव्यू लेते हुए पूछा कि उन्होंने मिलिट्री कुप क्यों लगाया, तो उनका जवाब था कि उन्हें जुल्फिकर अली भुट्टो और बाकी ओपोजिशन लीडर के बीच कुछ ठीक नहीं लगा था, और जुल्फिकर अली भुट्टो ने काफ़ी अजीब सा बयान दे दिया था, इस कारण से मुझे मिलिट्री रूल लगाना पड़ा। लेकिन सभी जानते हैं केवल पॉलिटिकल मोटिव से हुआ है। उस टाइम के ऑफिसर्स बताते हैं कि उनके बयान से पहले ही मिलिट्री कुप की पूरी तैयारियां हो चुकी थी। तो इस तरीके से एक और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को गिरा दिया जाता है। इसके बाद 1988 में जियाउल हक की डेथ हो जाती है और फिर से पाकिस्तान की आवाम को देखने को मिलते हैं बैलेट पेपर्स। जी हाँ दोस्तों, इलेक्शन करवाए जाते हैं 1988 में पाकिस्तान, और प्राइम मिनिस्टर बनते हैं बेनिज़ार अली भुट्टो। लेकिन पाकिस्तान की डेमोक्रेसी कोई जी टीवी के सीरियल से कम तोड़े ही है, यहाँ सस्पेंस ड्रामा चलता ही रहता है। तो दो साल बाद उनकी सरकार को भी गिरा दिया जाता है करप्शन और पुअर गवर्नेंस के चार्जेस पे, और ऐसे ही पूरा 1990s का डिकेड चला जाता है। दो साल PMLN, दो साल PPP, दो साल PMLN, ऐसे ही वो एक दूसरे की सरकार गिराते रहते हैं करप्शन चार्जेस पे। दोस्तों नोट सरप्राइजिंग, साल 2000 में एक बार फिर से मार्शल लॉ लगा दिया जाता है, इस बार जनरल परवेज मुशरफ के द्वारा। रीज़न वो यही देते हैं कि स्टेबल गवर्नमेंट नहीं थी, हर साल दो साल में गवर्नमेंट बदलती रहती, तो मैं एक स्टेबल गवर्नमेंट बनाऊँ, चाहे वो अनडेमोक्रेटिक ही हो। तो फिर से यही हाल चलता है 2008 के बाद जनरल परवेज मुशरफ के बाद, और ये कंटिन्यू आज तक ही चलता आ रहा है। वो पार्टी दूसरी पार्टी को गिरा देती करप्शन चार्जेस पे, दूसरी पार्टी फिर उसी पार्टी को गिरा देती। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि किस तरीके से पेंडोरा पेपर्स के कारण नवाज शरीफ की सरकार को गिराया गया था, और अब इमरान खान की सरकार को गिरा, तो ये कंटिन्यूसली चलता रहा है और ये आज तक चल रहा है। तो दोस्तों ये थी पाकिस्तान की डेमोक्रेसी की कहानी, अलग अलग तरह कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, मार्शल लॉ, मिलिट्री रूल, और पार्लियामेंट से प्रेजिडेंट, प्रेजिडेंट से पार्लियामेंट्री, इन तरह के ट्विस्ट से भरी हुई। और पाकिस्तान के इस तरह के ऑनगोइंग ट्रेंड को देखें तो फ्यूचर अगर हम प्रेडिक्ट करने की कोशिश करें तो ऐसा लगेगा कि दो साल बाद फिर से ये वाली गवर्नमेंट को कोई गिरा देगा, उसके बाद उसको कोई गिरा देगा, और फाइनली एक बार फिर से मिलिट्री कूप लग जाए, और उस डिक्टेटर के मरने के बाद एक बार फिर से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होंगी, और उसके बाद फिर से कोई उस सरकार को गिरा देगा। तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं इसके सोल्यूशंस की ओर। तो मेरे अकॉर्डिंग इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन हो सकता है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स करने होंगे कि जो पावर है वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड रहे, किसी एक बंदे के हाथ में ज़्यादा पावर ना है, क्योंकि जितनी ज़्यादा एक इंसान के हाथ में पावर होगी उतने ही ज़्यादा चांसेस देखने को मिलेंगे हमें मिलिट्री कूप वगैरह के। तो कॉन्स्टिट्यूशन को और ज़्यादा मजबूत होना होगा। दोस्तों स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है वहाँ की पॉलिटिक्स में भी, वहाँ पॉलिटिक्स में इतना ज़्यादा नेपोटिज्म है, इतना ज़्यादा करप्शन है कि एक सरकार दूसरी को गिरा देती करप्शन चार्जेस पे, दूसरी पहले वाली को फिर से गिरा देती, तो इस करप्शन को भी ख़त्म होना होगा। अब आप बोलेंगे कि पॉलिटिशियंस तो करप्शन करेंगे, इसको खत्म कैसे किया जा सकता? तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा इंडिया, किसी भी जगह के पॉलिटिशियंस जो हैं उसी उस जगह की जनता का आईना होते हैं। जैसे इंडिया में आप देखेंगे 2011-12 के आसपास कितने ज्यादा करप्शन चार्जेस देखने को मिले थे, सरकार उनमें डायरेक्ट इन्वॉल्व थी। तो उस टाइम जन्म हुआ था एक आंदोलन का, अन्ना आंदोलन, इसमें लोग एक साथ जुड़े थे करप्शन के खिलाफ, और एक काफी बड़ा बदलाव आया। मैं ये नहीं कहता कि अब वाली इंडियन गवर्नमेंट में करप्शन नहीं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बदलाव हुए, तो वहाँ की जनता को एक साथ आना होगा और अपने राइट्स के लिए लड़ना हो। अब सवाल आता है कि हम इस चीज़ पूरे केस स्टडी से क्या सीख सकते हैं, हम अपने देश को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं इस एग्जाम्पल को देखते हो। दोस्तों हमें फील करना होगा कि जिस तरीके से यहाँ पे एक आदमी के हाथ में ज़्यादा पावर दी गई थी, हमें भी किसी एक आदमी को अपना मसीहा नहीं बनाना है, हमें एक हीरो वर्शिपिंग छोड़नी होगी। हमें ये मानना होगा कि पॉलिटिशियंस केवल पॉलिटिशियन, हमें उन्हें एक हीरो नहीं बनाना है। दूसरा हम ये सीख सकते हैं कि हमें हर किसी को इक्वल रिप्रेजेंटेशन देनी हो। जैसे पाकिस्तान ने क्या किया कि बांग्लादेशियों के राइट्स को सप्रेस करने की कोशिश करी, उनके ऊपर उर्दू इम्पोज करने की कोशिश करी, तो वहाँ की एक कम्युनिटी को ऐसा फील हुआ कि हम मेन स्ट्रीम में हैं ही नहीं। तो हमें भी अपनी पूरे देश में जितनी भी कम्युनिटी है सबको एक साथ लेकर चलना होगा, तभी हम एक स्टेबल गवर्नमेंट और एक स्टेबल नेशन बना पाएंगे, नहीं तो कई तरह के डिवाइड्स देखने को मिलेंगे हमें अपने देश में। तो दोस्तों ये था जो हम अपने आसपास के देशों में हो रहे इस डिजास्टर से सीख सकते हैं। आई होप वीडियो की मदद से कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर ले, और ऐसी और मज़ेदार वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके एक्सप्लोर करें। धन्यवाद। ये थी पाकिस्तान की डेमोक्रेसी कहानी, मिलिट्री कूप से लेके अलग तरह के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से लेके अलग
मार्शल लॉ मिलिट्री को प्रेसिडेंसी से पहले जनता रिस्पांसिबल, क्योंकि उन्हें भी अपनी रिस्पांसिबिलिटी फील करनी होगी और कंसी और करप्शन चार्जेस को करप्शन करप्ट सिस्टम को सॉल्व करना होगा। आई नो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट बट दैट्स द ओनली पॉसिबल सॉल्यूशन।